है कास्ट सेंसस का और उसको लेकर प्रधानमंत्री पर एक व्यक्तिगत आरोप भी लगाया है कि ये कहा है कि ओबीसी स्टेटस प्रधानमंत्री का जन्म से था ही नहीं। ये राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है कुछ दो दिन पहले। देखिए, राहुल गांधी जी की एक पॉलिसी है, झूठ बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो और बार बार बोलो, ये उनका एक पॉलिसी है। जहां तक मोदी जी की जाति का सवाल है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नरेंद्र मोदी जैसे महान नेता की जाति पर कोई चर्चा कर रहा है। उनको जाति क्या है, ब्लॉक के है, क्या है, वो ही मालूम है। मोदी जी ने कहा कि मैं ओबीसी हूं, ओबीसी ब्लॉक होता है, जाति नहीं होता है। राहुल जी को शायद इनके टीचरों ने समझाया नहीं है। और जहां तक जाति का सवाल निकाला है, तो मैं आज देश के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं। बड़े भारी मन से मैं स्पष्टता कर रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री, इतने यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया जिसको लीडर मानती है, वो लीडर की जाति के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं। मगर डेमोक्रेसी है, हमें जवाब देना चाहिए। मोदी जी की जाति गुजरात में 1994 की 25 जुलाई को ओबीसी में लिस्ट की गई। मैं फिर से डेट कहना चाहता हूं, 25 जुलाई 1994। और उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे श्री छबीलदास मेहता और पार्टी इन पावर थी कांग्रेस पार्टी। और मोदी जी एक भी चुनाव तब तक नहीं लड़े थे, संगठन का काम करते थे, जाति का सवाल ही नहीं आता था। और दूसरा, उसको ऑल इंडिया लिस्ट में, पहले तो स्टेट का अधिकार है, तो स्टेट ने 94 में कांग्रेस के शासन, 94 में ही कांग्रेस ने दरखास्त भारत सरकार को भेजी, जिसको भारत सरकार ने 2000 में लिस्ट कर दिया। मोदी जी तब भी कुछ नहीं थे, न एमपी थे, न एमएलए थे, न सरपंच थे। और मोदी जी 2001 में मुख्यमंत्री बने। इन लोगों को तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर विवाद खड़ा करना, यही इनका धर्म है।